अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। बिया के किचन में आप सबका वेलकम है। आज बन रहा है चॉकलेट बिस्किट पाए, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो कोई सी मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर है मेरे पास, कॉफ़ी ली है मैंने, और ये स्प्रिंकल्स हैं थोड़े से, और मैरी बिस्किट मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मिल्क पैक की क्रीम है। आप चाहें तो कोई और से बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं और कोई और सी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रीम को, हाफ पैकेट क्रीम को जो है इस तरह से निकाल लूँगी, तो क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा गर्म करना है। अच्छा, मैंने इसको हल्का सा बीट किया है और अब मैं इसको गर्म करूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो देखें, बस मैं इसको चूल्हे पर रखा है इसको गर्म करने के लिए। जब इसमें साइड में हल्के हल्के बबल्स आने लग जाएंगे तो उसको हम अपना चूल्हा बंद कर देना है। देखें, और मुसलसल इसको चलाते रहना है ताकि क्रीम जो है वो हमारी जल ना जाए या लग ना जाए। तो बस देखें, साइड में हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, तो बस अब मैं इसे उतार लूँगी और अब इस क्रीम को जो है मैं डार्क चॉकलेट जो मेरे पास थी उसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो तैयार हो गया है। और इसको हम बना के अब साइड में रख देंगे। अब हम चलेंगे अपनी चॉकलेट पाई की तरफ, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है उसकी तरफ चलते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे बिल्कुल लास्ट में। ये हमने स्टार्ट में इसलिए बना लेते हैं गनाश कि जो भी है इसके अंदर चॉकलेट वगैरह होती है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमने इसमें शुगर, अब जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको रख देना है साइड में। अब हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अब हमने थोड़ी सी क्रीम ली है, उसके अंदर हमने कॉफ़ी डाली है और शुगर डाली है, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम अपने बिस्किट्स लेंगे। ये मैंने मैरी बिस्किट्स लिए हैं और इसको इस तरह से इस मिक्सचर में डिप करते जाएंगे और अच्छी तरह से निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बिस्किट्स को इस मिक्सचर में डिप करते जाएंगे। और देखें, मैंने हल्का हल्का साफ भी कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जो है मिक्सचर ना लगे। बस हमने बहुत लाइट से लगाना है, बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगाना। तो बस ये हमारे तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा है। और अब जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया था वो हम इस बिस्किट्स पर लगाएंगे, क्योंकि हम इसकी लेयर्स लगानी है। अब हमने दूसरा बिस्किट रखा है इसके ऊपर, फिर हम चॉकलेट गनाश लगाएंगे और फिर हम अगेन एक और लेयर रखेंगे बिस्किट की। ये बिस्किट मेरा थोड़ा सा टूट गया है तो मैं इसको आराम से रखूँगी जी। तो अब ये हो गया है, इसी तरह से हम दूसरे बिस्किट की दूसरी लेयर तैयार। तो अब हम ये अपनी सेकंड लेयर तैयार कर रहे हैं। अगेन वही प्रोसीजर करना है कि पहले चॉकलेट गनाश लगाना है, फिर हमने अपने बिस्किट रखना है, फिर अगेन चॉकलेट गनाश लगाना है, और देन फिर हमने बिस्किट रखना है। इस तरह से करके हमारे ये दो चॉकलेट पाए जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, और ये मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, और ये मेरे पास क्रीम जो मेरा गनाश था वो तैयार है। अच्छा, ये अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा, मतलब हार्ड हो रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। और ये मैंने माइक्रोवेव में रख के इसको निकाल लिया है, तो ये देखें, ये थोड़ा सा इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, ताकि हमारी जो बिस्किट्स है उस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो चलें हम वन बाय वन अपने बिस्किट्स उठाते हैं और बस इसको अच्छी तरह से इसके अंदर कोट करेंगे। बस बहुत अच्छी तरह से इसको कोट करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, और इसी तरह से अब हम दूसरे बिस्किट के साथ भी इसी तरह से करेंगे। अब हम अपना दूसरा बिस्किट लेंगे और उसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आप ये बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं ये, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और अगर कोई गेस्ट आने वाले हों तो भी ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे ये।
और बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अगेन फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब मैंने ये फ्रिज से निकाल लिए हैं, अब मैं इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों की पसंद से मैंने की हैं, एक को सिर्फ इस तरह से चॉकलेट की चाहिए थी, एक को थोड़े से स्प्रिंकल्स के साथ चाहिए था, तो एक के लिए मैंने इस तरह से ऊपर चॉकलेट की डेकोरेशन कर दी है और एक जो है मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स इस तरह से बस ये हमारी तैयार हो गई है। इसमें मैंने अपने बच्चों को भी अपने साथ लगाया था, बच्चों को ऐसे काम करने हैं बहुत मज़ा आता है। तो ये हमारे चॉकलेट बिस्किट पाई तैयार हो गई है, आप इसे बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी चॉकलेट बिस्किट पाई कैसी बनी। अगर इसमें अपने बच्चों को अपने साथ लगाएंगे तो बच्चों को भी और बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया है, तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द व्लॉग भी आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।